गृह प्रवेश की बाट जो रहे लोगों के लिए 2023 एक शानदार साल साबित होने जा रहा है। दरअसल इस साल रियल एस्टेट डेवलपर्स रिकॉर्ड संख्या में घरों का प्रदर्शन देने के लिए तैयार हैं। एक रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक इस साल देश के 7 बड़े शहरों में 5.58 लाख घरों का कंस्ट्रक्शन पूरा होने का अनुमान है, जो 2022 के मुकाबले 39% ज्यादा है। पिछले साल 4,02,000 घरों का निर्माण पूरा होना था, लेकिन इस लक्ष्य के हासिल होने की कोई जानकारी नहीं है। इसकी वजह है रियल एस्टेट डेवलपर्स ने निर्माण की स्पीड को बढ़ा दिया है। जानकारों का मानना है कि कोरोना के बाद जिस तरह का बूम रियल एस्टेट सेक्टर में देखा जा रहा है, उसके बाद इस गति से प्रदर्शन होने वाकई में इस सेक्टर में एंड यूजर्स और निवेशकों के भरोसे को कई गुना बढ़ा देगा। आई थिंक इन 5.5 लाख घरों की डिलीवरी से बहुत ज्यादा रियल एस्टेट सेक्टर को बूस्ट मिलेगा। कस्टमर कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, बिकॉज एक टाइम पे सबसे बड़ा इशू यही होता था कि टाइम पे घरों की डिलीवरी हो रही है कि नहीं हो रही है। तो इस स्टेप से, इस न्यूज़ से पूरे रियल एस्टेट सेक्टर को बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट मिलेगा। इस साल घरों के प्रदर्शन में उछाल आने के लिए कई वजह मौजूद हैं। इनमें सबसे पहली वजह रेरा कानून है, जिसके हिसाब से प्रदर्शन की मियाद को समय पर हासिल करना जरूरी है। घरों की बिक्री बढ़ने से फंडिंग की कमी दूर हो गई है। नई तकनीक के आने से कंस्ट्रक्शन पहले से आसान और तेज हो गया है। इसके साथ ही वित्तीय संस्थान भी आसानी से कर्ज दे रहे हैं। वहीं प्रोजेक्ट में देरी से जो लागत बढ़ती है, उसे देखते हुए डेवलपर्स समय पर प्रोजेक्ट पूरा करने पर जोर दे रहे हैं। वहीं फाइनेंशियल सेक्टर का मानना है कि अब रियल एस्टेट सेक्टर संगठित हो रहा है और यहां पर अब कर्ज देना पहले की तरह जोखिम भरा नहीं रह गया है। अगर अलग अलग इलाकों में प्रदर्शन की तस्वीर को देखें तो दिल्ली NCR में इस साल 1.7 लाख घरों का निर्माण पूरा होने का अनुमान है। मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में 1.31 लाख, पुणे में 98,000, बेंगलुरु में 80,000, कोलकाता में 36,000, हैदराबाद में 23,000 और चेन्नई में इस साल 17,000 घरों का निर्माण पूरा होने का अनुमान है। उम्मीद है कि इस लक्ष्य को ये सेक्टर इस बार पूरा करने के लिए दमखम दिखाएगा, क्योंकि पिछले साल काम की स्पीड कम होने की वजह आसमान छूती महंगाई भी थी। लेकिन इस साल महंगाई से राहत मिलने के बाद कंस्ट्रक्शन करना पिछले साल से काफी सस्ता हो गया है। ऐसे में इस मौके को डेवलपर्स चूकना नहीं चाहेंगे। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।